अच्छी शुरुआत हुई इस बीच वहाँ पे अंकित अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर गेंद गई है वहां से जब तक फील करते वाइट बॉल यानी कि एक बाई का और एक वाइट का दो रन काउंट किया जाएगा उस प्रकार से एक अच्छी शुरुआत हुई है मामोगल अहिर बिग बिज लीग की शुरुआत हो चुकी है बहुत ही बेहतरीन देखिए इस बीच अच्छी गेंद लेंथ और लाइन के साथ अच्छी शुरुआत हुई है वहाँ से पूर्व को पेवलिन का रास्ता दिखाया वैसे पूर्व की बात करें तो बहुत ही नामांकित खिलाड़ी है वैसे इस बीच कुछ कर नहीं पाए और पेवलिन की ओर जा चुके हैं हल्के हाथों से खेला इसमें कट शॉट पीछे खिलाड़ी गली की निशा में जब तक फील करते सीधा थ्रो हुआ बहुत ही बेहतरीन तरीके से एक अच्छा डाउन ए ग्राउंड खेला इस बीच वहाँ पे कवर की दिशा में गेंद ट्रैवल होती हुई बेहतरीन तरीके से बाउंड लाइन की ओर प्रस्थान करती हुई एक अच्छा चौका जरूर मिला और चौके के साथ स्कोर कार्ड के ऊपर चार रन की, की बढ़ोतरी होगी तो उमेश भाई यहाँ पे वहां जो एक आम का पेड़ है वहां हमारे वीआई गेस्ट बैठे हुए तो प्लीज उसे थोड़ा कैप्चर करेंगे जुम आउट करेंगे बहुत ही बेहतरीन तरीके से धर्मपुर की बहुत ही बड़ी शख्सियत कीर्तिभा अहिर वहां पर उपस्थित थे आसिफ भाई भी उपस्थित है सज्जात भाई है सागर मोदी जी वहाँ पे है और जगदीश भाई आहिर भी उपस्थित है और किरण भाई भी वहाँ पे उपस्थित है तो उस प्रकार से वहाँ पे धर्म राठौड़ उस पर बहुत ही सारे वैसे धर्मपुर की फ्रंट लाइन के सभी मेंबर्स उपस्थित है तो उन लोगों का मैं क्रिकेट कमेंटेटर राज चौहान स्वागत करता हूँ धर्मपुर के क्रिकेट को आगे बढ़ाने में ये लोगों का बहुत बड़ा योगदान रहा है अगर स्पॉन्सरशिप की बात की जाए बल्ले की बात की जाए गेंद की बात की जाए वहाँ पर सभी बैठे हुए लोगों का इस्तेबाल करता हूँ स्वागत करता हूँ आपने क्रिकेट को बहुत अच्छा सपोर्ट किया है धर्मपुर रजवाड़ी नगरी के खिलाड़ियों करके और खास करके भाई आहिर की पूरी स्क्वाड और लीजेंड क्रिकेटर आसिफ भाई भी वहाँ पर जुदे बहुत सारे लोगों ने अच्छा सपोर्ट किया तो आप लोगों का बहुत बहुत आभार बहुत अच्छे 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 कार्निवल का आयोजन तो का आगे नहीं होता तो थैंक यू आप सभी लोगों का दिल से आभार बहुत अच्छा इस बीच और कैन का सीधे लाइन के बाहर बेहतरीन तरीके से अच्छा सिक्सर और छह के साथ छह रन की बढ़ोतरी स्कोर कार्ड के ऊपर वैसे पहले ओवर के बाद नौ रन बने थे अब यहां से दीप आए दीप का स्वागत हुआ सिक्सर के साथ कार्ड के ऊपर पंद्रह रन बहुत ही बेहतरीन देखिए गेंद को थोड़ा सा घुमाया था इस बीच वैसे बहुत ही बेहतरीन तरीके से गेंद को घुमाना जानते हैं और वैसे गेंद किस प्रकार से घूमती है, अगर फिरकी का जो जिसे हम कहते उस प्रकार की का जानते हैं की की तो फिलहाल चाहने वाले की कमी नहीं है उसमें से एक उसकी चाहत वाला हमारे साथ बैठा है कॉमेंट्री बॉक्स में अकीब शेख अच्छी गेंद देखिए बीच घुमाया खाने के बाद ऑफ्ट की और गेंद डिलीवर हुई वैसे इस प्रकार की गेंद डालने के लिए वैसे जाने जाते हैं हमारे बहुत ही बड़े लीजेंड क्रिकेटर वैसे ऑल इंडिया लेवल के ऊपर खेलने वाले खिलाड़ी नासिम गुली की वहाँ एक कॉपी करने का प्रयास करते हुए दीप बहुत ही अच्छी गेंद को घुमाना जानते हैं इंडेक्स फिगर का इस्तेमाल अच्छा करते हैं हल्के हाथों से टैप कर दिया इस बीच गली की दिशा में गेंद गई जब तक फील करते नॉर्थ स्ट्राइक गेंद के ऊपर थ्रो हुआ तब तक एक रन पूरा कर चुके थे सिंगल के साथ एक रन की बढ़ोतरी और स्कोर कार्ड के ऊपर सोलह रन एक विकेट के नुकसान के बाद

बल्लेबाज के रूप में जाने जाते हैं जयदीप परफेक्ट ऑलराउंडर आइकॉनिक प्लेयर है वैसे आहिर समाज की अगर बात की जाए तो अरे में खेलने का प्रयास किया देखिए मैंने जब आइकॉनिक खिलाड़ी की बात की तो अपने नाम के आगे आइकॉन लगाना बहुत मेहनत लगती है वहां पसीना बहाना पड़ता है वैसे तमन्नाओं के शहर में यहाँ मांगने से कुछ नहीं मिलता उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है चलना पड़ता है दौड़ना पड़ता है भागना पड़ता है जरूरत आने के बाद रेंगना भी पड़ता है तब जाके आपके नाम के आगे आइकॉन लगता है तो उस प्रकार से बहुत सारे खिलाड़ी और ऐसे मोमेंट में जब भी आइकॉन का नाम आता है तो जगदीश आहिर को हम जरूर याद करेंगे एक बहुत ही बेहतरीन आहिर समाज का फ्रंट लाइन का वो नंबर का क्रिकेटर और फिलहाल थोड़े से इंजर्ड है बहुत ही जल्द वापसी का इंतजार है हम माता रानी से प्रार्थना करते हैं आज माँ मुगल का जो अट्ठाईसवा पाठोत्सव है माता रानी के चरणों में प्रार्थना के साथ दुआ करते हैं कि जगदीश बहुत जल्द ग्राउंड के ऊपर हमें दिखे ऐसी प्रार्थना के साथ जगदीश का फिर से एक बार हार्दिक स्वागत है ओवर तो की समाप्ति यानी पावर प्ले खत्म हुआ अठारह रन एक विकेट के नुकसान के बाद श्रीकृष्ण प्रतीक इलेवन वर्सेस मारुति सोल्जर इलेवन के बीच में अब गेंदबाजी के ऊपर परिवर्तन किया जाएगा रोड एन की ओर से नए गेंदबाज नील आहिर को शामिल किया जा रहा है देखिए अच्छी गेंद थी वाइड बॉल एक अतिरिक्त रन जरूर जुड़ा इस बीच अतिरिक्त स्कोर कार्ड के ऊपर एक रन की बढ़ोतरी हुई वैसे अभी अभी जिस खिलाड़ी का जो एक लीजेंड क्रिकेटर है जो एक अच्छी शख्सियत है जिसका नाम का हमने जिक्र किया उसके छोटे बंधु यानी कि छोटे ब्रदर है वैसे नील अहिर जगदीश के ब्रदर बहुत अच्छा शॉट इस बीच शॉट और का कह सीधे बाउंड लाइन के बाहर इस बीच वेरिडेस्ट चौका और चौके के साथ स्कोर कार्ड के ऊपर यहां से चार रन की बढ़ोतरी होगी और तेईस रन एक विकेट के नुकसान के बाद थोड़ी सी शॉर्ट ऑफ लाइन डिलीवरी जिसके ऊपर बल्ला चला और वहां से रन बटोरे चार उस प्रकार से एक अच्छा चौका जगदीश का फिर से नील अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर के ऊपर जयदीप बार्सोल फिलहाल आठ गेंदों का सामना किया एक चौका एक सिक्सर डेढ़ सौ का स्ट्राइक रेट है फिर से एक बार यहाँ पे उसी दिशा में लॉन्ग ले दिशा में एक और चौका बैक टू बैक दो चौके आ चुके हैं यानी सत्ताईस रन बन चुके हैं बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाजी देखिए अगर जयदीप की बात की जाए तो मारते कम और घसीटते ज्यादा है

बाय लेग बाय अतिरिक्त रन को वैसे क्रिकेट की भाषा में सनरीज कहते हैं सनरीज के साथ स्कोर मूव ऑन टू ट्वेंटी एट लॉस ऑफ वन विकेट थर्ड ओवर इन प्रोग्रेस हल्के हाथों से इस बीच आधा पूछा डर ड्राइव जब तक फील करते वहां से सिंगल रन सिंगल के साथ एक रन जुड़ेगा स्कोर कार्ड के ऊपर 29 रन एक विकेट के नुकसान के बाद फिर से गेंदबाज अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर कप्तान को हिदायत देने का प्रयास जरूर कर रहे थे वहां पे फील्डिंग में कुछ तब्दीली करने का प्रयास थोड़े से इस बीच क्लॉक वाइज फील्डिंग को घुमाया गया ऑन साइड के ऊपर वैसे अक्षय याहिर मिड विकेट के ऊपर दीप आहिर के ऊपर और देखिए वहां पे जहां पे गेंद को खिलाड़ी खे, को घुमाया उसी जगह के ऊपर कैच और अक्सय थे वहां पर थर्टिया सर्कल तक रनिंग करना पड़ा लेकिन आखिरी वक्त के ऊपर वहां से ड्रॉप चांस यानी कि कैच छूटा और रन जुड़ा डबल नुकसान हुआ गुजराती में ने बेहु गया कैच रन गयो। अच्छा शॉट वहां पे देखिए तैयार नहीं थे तैयार नहीं थे वैसे सीधा हाथ में होम डिलीवरी पार्सल आया था लेकिन रिटर्न करना पड़ा वो कहते ना जो किस्मत में लिखा होगा वो सामने चलकर आएगा अगर आपके किस्मत में नहीं होगा तो दरवाजे के ऊपर आकर चला जाएगा उस प्रकार से सीधे हाथ में कैच थी वहां पे लेकिन ड्रॉप चांस और वहां पे जयदीप बार्सोल को एक जीवनदान मिला तीन ओवर के बाद इकतीस रन एक विकेट के नुकसान के बाद श्री कृष्णा प्रतीक इलेवन गेंद थी इसमें बीच फुल टॉस गेंद वहां गली की दिशा में गेंद गई है जब तक फील्ड करने का प्रयास करते हैं रन पूरा कर चुके थे सिंगल के साथ एक रन की बढ़ोतरी हुई और स्कोर कार्ड के ऊपर एक रन जुड़ेगा बत्तीस रन एक विकेट के नुकसान के बाद फिर से गेंदबाज इस बीच अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर अंकित वैसे अंकित अपने कोटे में जब भी गेंदबाजी करते मेरी कमेंट्री में आज तक ऐसा हुआ नहीं कि उसने विकेट नहीं लिया आज भी एक विकेट तो उसके अकाउंट में आ चुका है कौन सा भी टूर्नामेंट हो अच्छा कट शॉट इस बीच गली पॉइंट की दिशा में वहाँ पर ड्राइव किया और अपनी टीम के लिए रन बचाने का प्रयास जरूर किया उस प्रकार का फील्डिंग परफॉर्मेंस अगर खैरगाम तालुका प्रीमियर लीग की बात की जाए नवसारी डिस्ट्रिक्ट का बात की जाए या तो किसी भी प्रकार की अगर आहिर समाज के कोई भी प्रकार का टूर्नामेंट है अंकित आहिर विकेट लेते ही लेते हैं उस प्रकार के एक बहुत ही बेहतरीन नामांकित गेंदबाज बन चुके हैं वो भी गेंदबाजी काफी बार कसी हुई गेंदबाजी देखने को मिलती है बहुत बार हल्के हाथों से इस बीच अफ्लिक करने का प्रयास किया है वहां पे जब तक अब करते का बाहरी किनारा गेंद गई है थर्डमैन की दिशा में वहां पे जब तक हम फील्ड करते सीधा विकेट के पर्यटन के ऊपर थ्रो हुआ तब तक वहां से रन पूरा कर चुके थे अंकित आहिर के बारे में मैं बात बता रहा था यहाँ पे कम से कम टोटल उसके नाम के ऊपर 204 विकेट हो चुके हैं कम से कम एक इनिंग में गेंदबाजी की है तो उस प्रकार से बहुत ही बेहतरीन तरीके से गेंदबाजी का नजराना उसकी ओर से हमें देखने को मिला है बेस्ट बॉलिंग एनालिसिस से अंकित का यहाँ पे दो ओवर में एक रन और चार सफलता प्रकार की गेंदबाजी का रिकॉर्ड उसके नाम के ऊपर पर है लोअर फुलटोस गेंद थी इस बीच ऑफ्टम के ऊपर थोड़ी सी चहलकदमी लेकिन वहां थर्ड थर्डमैन के ऊपर रोका गया थ्रो किया गया लेकिन तब तक रन पूरा कर चुके थे अब बहुत ही बेहतरीन तरीके से एक रन जरूर जुड़ेगा सिंगल रन स्कोर कार्ड के ऊपर छत्तीस रन एक विकेट के नुकसान के बाद चार ओवर की समाप्ति पहला हाफ खत्म हुआ छत्तीस रन बने एक विकेट के नुकसान के बाद श्री कृष्णा प्रतीक इलेवन वर्सेस मारुटी सोल्जर इलेवन के बीच में मुकाबला टॉस जीता था मारुडी सोल्जर ने और पहले फील्ड करने का फैसला किया था जो देरी से उपस्थित हुए उनकी जानकारी के लिए बता दो मा मुगल अहिर बिग बेस लीग सीजन दूसरा का एक बहुत ही बेहतरीन क्रिकेट महाकुंभ का आयोजन हुआ है श्रीजी क्रिकेट ग्राउंड के ऊपर यहाँ पे टीम के ऑनर की बात की जाए तो श्री प्रतीक इलेवन कीर्तिभा आहिर माँ मुगल इलेवन हिरेन भाई आहिर मारूटी सोल्जर राजू भाई आहिर और माँ शक्ति कृपा विपुल भाई आहिर ने अच्छा सपोर्ट किया है यहाँ पे अपनी अपनी टीम की एंट्री बनवाई ऑक्शन बेस्ड टूर्नामेंट पॉइंट वैल्यू के जरिए अपने अपने पसंदीदा खिलाड़ी के द्वारा अपना स्क्वाड तैयार किया और यूट्यूब के ऊपर लाइव प्रसारण भावेश पटेल चैनल के ऊपर जिसके कैमरामैन उमेश और ऑपरेटर भावेश अंपायर की भूमिका में लियो जॉनसर परेश पटेल सर और डैनी जॉनसन श्रीजी क्रिकेट ग्राउंड वाकल कुलदीप पडियर का एक बहुत बेहतरीन वैसे धर्मपुर विस्तार का नामांकित है स्कोरर के रूप में पहुंचा रहा हूं और हमारे साथ कॉमेंटर के रूप में धर्मपुर के लोकल बॉय अकीब सेठ जुड़ेंगे अगले चार ओवर के लिए तो प्लीज वेलकम अकीब का स्वागत है चार ओवर छत्तीस रन एक विकेट के नुकसान के बाद जी कृष्णा प्रतीक इलेवन शुक्रिया साथी और सहयोगी कॉमेंटर राज चौहान सर आज का ये दूसरा मुकाबला चलता हुआ मा मुगल आहिर बिग बेस्ट लीग दो हजार चौबीस सीजन दूसरा और दूसरा संस्करण एक अच्छी यहां पर गेंदबाजी देखने को मिली पहले चार ओवर में अगर बात करें तो एक विकेट और जयदीप बारसोल की ओर से कप्तानों वाली पारी खेली जा रही है सोलह गेंदों के ऊपर इक्कीस रन बनाकर बल्लेबाजी करते हुए नॉन स्ट्राइक एंड के ऊपर खड़े हैं बल्लेबाज मितेश गेंदबाजी के ऊपर अपने कोटे का ये दूसरा ओवर और टीम की ओर से पांचवा लेकर दूर वाले छोर से दीपाहर के हाथों में गेंद थमाई है कप्तान ने हवा में गेंद जरूर थी वहां पर मिड ऑफ के ऊपर थोड़ी सी मिस अंडरस्टैंडिंग जरूर हुई थी रन आउट का खतरा था लेकिन सुरक्षित क्रीज में मौजूद दोनों बल्लेबाज एक अच्छी वहां पर रनिंग बिटवीन द विकेट सही तरीके से थ्रो किया नहीं वहां पर नॉन स्ट्राइक एंड के ऊपर और कलेक्ट नहीं कर पाए थे गेंदबाज तब तक एक के साथ यहां पर स्ट्राइक को रोटेट किया थर्टी सेवन रन बने पारी का ये ओवर थोड़ी सी फील्डिंग की सजावट की जा रही है बीच मैदान के ऊपर डीप कवर को शामिल किया जा रहा है सॉट थर्डमैन थर्टी सर्कल के अंदर विकेट कीपर के ठीक पीछे के राहिर विकेट कीपिंग के ऊपर

चौके के साथ फोर्टी वन इकतालीस रन बने एक विकेट के नुकसान के ऊपर बहुत ही अच्छी गेंद थी इस बार थोड़ा सा घुमाव मिला था फिरकी के फनकार के नाम से जाने जाते हैं गेंदबाज दीप आहिर उसी प्रकार से यहाँ पर गेंदबाजी करने का प्रयास है एक अच्छी विकेट कीपिंग वहां पर केयर आहिर की ओर से बीच मैदान के ऊपर पारी का ये पांचवा ओवर प्रगति के ऊपर फोर्टी वन इकतालीस रन स्कोर कार्ड के ऊपर ऑफ अष्टम छोड़ते हुए गेंद अंपायर न सर नाखुस वाइट अंपायर सर की ओर से अतिरिक्त के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ जा पहुंचा है 42 टू बयालीस रन एक विकेट के नुकसान के ऊपर पारी का ये पांचवा ओवर इस पर पंच किया है डीप कवर बाउंड्री लाइन के ऊपर खिलाड़ी है लेकिन आउटफील्ड काफी ज्यादा तेज गेंद चली जाएगी सीधे सीमा रेखा के बाहर चार रनों के लिए मितेश आक्रामक तेवर में बल्लेबाजी करते हुए बीच मैदान के ऊपर वापस गेंदबाज दीप अपने बॉलिंग माँ के ऊपर दूर वाले छोर से इस बार बारे के ऊपर खिलाड़ी है वन बाउंस के बाद हल्की सी मिसफील्डिंग जरूर हुई कैचिंग पोजिशन के ऊपर आना चाहते थे लेकिन वहां पर अच्छी फील्डिंग जब तक गेंद फील्ड करते तब तक एक के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ फोर्टी सेवन रन बने एक विकेट के नुकसान के ऊपर पारी का ही पांचवा ओवर करेट रेट की अगर बात करें तो साढ़े का औसत चलता हुआ और प्रोजेक्टेड स्कोर जा सकता है सेवनटी सेवन तक अब कहां तक लेकर जाएंगे आने वाला समय बताएगा श्री कृष्णा प्रतिक इलेवन के बल्लेबाजों की ओर से की उपर, से फिलहाल जयदीप स्ट्राइक के ऊपर लेफ्ट हैंड बल्लेबाज आउट स्ट्रोक खेला है बहुत ही बेहतरीन तरीके लॉन्ग ऑफ बाउंड्री लाइन के ऊपर कैचिंग पोजिशन के ऊपर फील्डर जरूर थे लेकिन वहां पर सीमा रेखा के काफी करीब से गेंद को फील करने का प्रयास था तकरीबन दस से पंद्रह मीटर की दूरी तय करके कैच लपकने का प्रयास था इन साइड स्ट्रोक वहां पर एक ही रन मिलेगा तो एक के साथ यहाँ पर ओवर समाप्त हुआ जब तक पांच ओवर की समाप्ति के बाद 48 48 रन बने एक विकेट के नुकसान के ऊपर श्री कृष्णा प्रति इलेवन परिवर्तन तौर के ऊपर गेंदबाजी के ऊपर मनीष आहिर को शामिल किया जा रहा है दूर वाले छोर से स्ट्राइक के ऊपर लेफ्ट हैंड बल्लेबाज जयदीप बारसोल और नॉन स्ट्राइक एंड के ऊपर मितेश स्कोर कार्ड के ऊपर पांच ओवर की समाप्ति के बाद फोर्टी एट अड़तालीस रन बने एक विकेट के नुकसान के ऊपर थोड़ी सी फील्डिंग की सजावट की जा रही है पॉइंट हट गया सर्कल के अंदर फील्डर तैनात है रिवर्स एटम करते हैं बल्लेबाज जयदीप बार्सोल तो उनके लिए बैकवर्ड पॉइंट बाउंड्री लाइन के ऊपर एक फील्डर तैनात दीप आहिर को भेजा जा रहा है विकेट कीपर केयूर आहिर की ओर से मिड ऑफ थर्टी आठ सर्कल के अंदर बल्लेबाज के लिए वाइड इज द लॉन्ग वन डीप बाउंड्री लाइन स्क्वेयर लेग और डीप मिड विकेट शॉर्ट गेंद जरूर थी इस बार पैरों के ऊपर गेंद नीचे खिलाड़ी डीप बाउंड्री लाइन के ऊपर है और सीधा वहां पर छह रन स्टैंड डिलीवर किया तो छह के साथ छह ऑफ द फिफ्टी पचास रन पूरे के यहां पर श्री कृष्णा प्रतीक इलेवन ने स्वयं वहां पर गेंदबाज खुद आए थे थोड़ी सी हवा में लहराई थी गेंद जब तक गेंद फील करते तब तक एक के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ फिफ्टी फाइव पचपन रन एक विकेट के नुकसान के ऊपर पारी का ये छठा ओवर एक मौका जरूर था बाउंड्री लाइन के ऊपर जयदीप पार्सल का कैच लेने का लेकिन सही तरीके से पोजिशन नहीं बना पाए थे वहाँ पर फील्डर डी बाउंड्री लाइन के ऊपर पारी का ये छठा ओवर फिफ्टी फाइव रन एक विकेट के नुकसान के ऊपर फिलहाल मनीष अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर दूर वाले छोर से फार्म की ओर से थोड़ी सी फील्डिंग की सजावट की जा रही है विकेट कीपर केयूर आहिर की ओर से लॉन्ग ऑफ के ऊपर फील्डर तैनात है गली के ऊपर एक फील्डर तैनात शॉर्ट थर्मैन थटियाज सर्कल के अंदर शॉर्ट फाइनल थटियाज सर्कल के अंदर है विकेट कीपर और ऐसा अंपायर के ठीक बाजू में फिलहाल गेंदबाज मनीष फुल टॉस गेंद जरूरत है इस बार नौ बॉल का इशारा अंपायर सर की ओर से जब तक गेंद फील फील करते तब तक एक रन एक के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ जा पहुंचा है 57 रन यहां पर अतिरिक्त एक रन काउंट किया जाएगा आने वाली गेंद के ऊपर फ्री हिट है बल्लेबाज के पास मौका है हाथ खोलने का जयदीप बारसोल फिलहाल स्ट्राइक के ऊपर हवा हाँ में गेंद जरूर इस बार मिड ऑफ या सर्कल के अंदर फील्डर तैनात है कैच ड्रॉप हुआ है दूसरे के लिए भी पलटवार किया वहां पर अच्छी फील्डिंग जब तक गेंद फील करते तब तक दो रन आसानी के साथ पूरे किए क्वालिटी रनिंग बिटवीन देखिए दोनों बल्लेबाज की ओर से मिड ऑफ या सर्कल के अंदर कैच जरूर ड्रॉप हुआ था उसके बाद कवर के रूप में अंकित खेरगाम की ओर से एक अच्छी फील्डिंग का परफॉर्मेंस वहां पर देखने को मिला दो के साथ यहां पर फिफ्टी नाइन रन बने एक विकेट के नुकसान के ऊपर पारी का ये छठा ओवर आज का दूसरा मुकाबला चलता हुआ श्री कृष्णा प्रतीक इलेवन और मारुति सोल्जर्स के बीच में फुल टॉस के अंदर जरूर और फुल टॉल दिया है गेंद जाएगी सीधे लॉन्ग ऑन बाउंड्री लाइन के ऊपर से वन बाउंस के बाद चार रन तो चौके के साथ यहां पर स्कोर आगे बढ़ेगा 63 रन बने पारी का ये छठा ओवर प्रगति के ऊपर काफी महंगे साबित हो रहे हैं गेंदबाज मनीष की अगर बात करें तो अपने कोटे का ये पहला ओवर और अभी तक चार गेंदे हो चुकी है पंद्रह रन खर्च कर चुके हैं इस ओवर को बड़ा बनाने का प्रयास है बल्लेबाज जयदीप बारसोल की ओर से लेफ्ट हैंड बल्लेबाज सामना करने के लिए तैयार रिवास अटैम करने का प्रयास था बल्ले का ट्रॉपे जरूर लिया था ओवर थ्रो जरूर किया गया वहां पर विकेट कीपर के युराहिर की ओर से जब तक गेंद फील करते नीला कवर के रूप में तब तक का एक रन आसानी के साथ पूरा किया 64 फोर चौसठ रन बने एक विकेट के नुकसान के ऊपर छठे ओवर के आखिरी गेंद से बल्लेबाज के लिए श्री कृष्णा प्रतीक इलेवन जिसके फ्रेंचाइजी ओनर कृतिबाई आहिर यहां पर उपस्थित है बल्ला जरूर चलाया था गुडलैंड स्पॉट के ऊपर टप्पा खाने के बाद गेंद पहुंची विकेट कीपर के दस्तानों में कोई रन नहीं कोई नुकसान नहीं ओवर की समाप्ति छह ओवर की समाप्ति के बाद सिक्सटी फोर रन चौसठ रन बने श्री कृष्णा प्रति इलेवन अब अनिल आहिर को शामिल किया जा रहा है रोड एन की ओर से अपने गोटे का ये दूसरा ओवर लेकर ओवर की समाप्ति के बाद सिक्सटी फोर चौसठ रन बने एक विकेट के नुकसान के ऊपर केतन आहिर मोटा वो भी यहां पर उपस्थित है उनके साथ में प्रमोद भाई अभी अभी आए हुए काफी ज्यादा समर्थक है यहाँ पर श्री कृष्णा प्रतीक इलेवन के उस डग आउट में बैठे हुए सामने कीर्ति भाई आहिर और जगदीश आहिर के साथ में फिलहाल नील अपने बॉलिंग माँ के ऊपर लेफ्ट हैंड बल्लेबाज जयदीप की ओर से एक बहुत ही निर्णायक पारी खेली जा रही है बीच मैदान के ऊपर रन बनाकर इस बार पुल लगाने का का प्रयास था बल्ले टॉप लिया फाइन लेक थर्ट या सर्कल के अंदर जब तक गेंद फील करते तब तक दूसरे के लिए भी पलटवार किया है अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट वहां पर दो के साथ स्कोर आगे बढ़ेगा सिक्सटी सिक्स रन एक विकेट के नुकसान के ऊपर पारी का ये सेकंड लास्ट ओवर यहाँ पर इस विकेट के ऊपर किस प्रकार से गेंदबाजी करनी है ये बखूबी तरीके से जानते हैं नील और टप्पे के ऊपर काम करना पड़ेगा ये बताते हुए विकेट की पर केयूर भाई आहिर इस बार फेयर के ऊपर गेंद जरूर थी वहां पर कलाइयों के सहारे हरी कारपेट को चीरने के बाद गेंद पहुंची थी फाइन लेग बाउंड्री लाइन के ऊपर वहां पर दो रन आसानी के साथ पूरे किए अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट दो के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ हमारे मेन अंपायर के ऊपर लियो जॉन सर और परेश पटेल सर स्कोल लेग अंपायर इस दो, दोनों क्वालिफाइड अंपायर को शामिल किया गया है हमारे ऑर्गेनाइजर कमेटी की ओर से आप देख रहे हैं माँ आहिर बिग बैस सीजन दूसरा इस टूर्नामेंट का यूट्यूब के ऊपर लाइव प्रसारण किया जा रहा है जड़ वाली गेंद जरूर थी फ्लिक किया है वहां पर लॉन्ग लेग बाउंड्री लाइन के ऊपर दूसरे के लिए भी पलटवार किया और रमील भी जाएगा अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट वहां पर दोनों बल्लेबाज की ओर से 70 रन बन चुके हैं पारी के ये सेकंड लास्ट ओवर यानी कि सातवें ओवर में एक विकेट के नुकसान के ऊपर अभी तक अच्छी गेंदबाजी यहां पर देखने को मिली है नीलाहिर की ओर से पहले तीन गेंद की अगर बात करें तो सिर्फ छ रन खर्च किए हैं अभी तक डाउन द लेग लेग स्टम्प छोड़ते हुए गेंद काफी ज्यादा बाहर अंपायर महोदय का अतिरिक्त के साथ स्कोर आगे बढ़ेगा सेवनटी वन इकहत्तर ऊपर। लाउड अपील जरूर की गई थी वहां पर बॉडी के साथ टकराने के बाद जब तक गेंद गेंदफिल करते पॉइंट के ऊपर तब तक एक रन आसानी के साथ पूरा किया एक के साथ सेवनटी टू बहत्तर रन बने अब अमितेश उन्नीस रन बनाकर बल्लेबाजी करते हुए जयदीप बारसोल जा पहुंचे फोर्टी थ्री के ऊपर पहले मुकाबले में इससे अच्छी वहां पर बल्लेबाजी देखने को मिली थी पहला अर्धशतक आया था संदीप की बल्ले से और उसके बाद नीलू खेरगाम ने एक ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की फिलहाल नील अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर रोड इनकी ओवर द विकेट तेजस ठीक कमेंट्री बॉक्स के सामने से गुजरते हुए डाउन द ग्राउंड खेला है इस बार जमीन के समांतर स्ट्रोक को खेला वाइड इज द लॉन्ग ऑन डीप माउट लाइन के ऊपर लॉन्ग बेरियर पोजिशन के ऊपर जब तक गेंद फील करते हैं आउट का खतरा है वहां पर विकेट कीपर के ऊपर सटीक थ्रो किया और रन आउट से यहां पर दामन छूटेगा बल्लेबाज मिते साहिर रन आउट होकर पवेलियन की ओर तो रनआउट के रूप में लगने वाला श्रीकृष्ण प्रतीक इलेवन को दूसरा झटका पारी के ये सातवें ओवर में बल्लेबाज के रूप में जय आहिर ने प्रस्थान कर लिया है रन आउट आउट के रूप में अभी-अभी होकर गए थे बल्लेबाज और नील अपने बॉलिंग थोड़ी सी फील्डिंग की सजावट की जा रही है अंकित खेरगाम की ओर से लॉन्ग ऑफ बाउंड्री लाइन के ऊपर वैसे भी कप्तान की जिम्मेदारी प्रतीक इलेवन के फ्रेंचाइजी ओनर आहिर की ओर से यहाँ पर उपस्थित है बहुत ही अच्छी गेंद थी इस बार के ऊपर गुजरती हुई गेंद चली गई सीधे विकेट कीपर के दस्तानों में एक अच्छी विकेट कीपिंग वहां पर देखने को मिली केयू राहिर की ओर से नाइस स्कैरी टू द विकेट कीपर केयूर आहिर फिलहाल ओवर की समाप्ति सात ओवर की समाप्ति के बाद सेवेंटी थ्री रन बने हैं स्कोर कार्ड के ऊपर आखिरी ओवर अभी भी शेष है यानी कि आखिरी छह गेंद शेष बल्लेबाजों के लिए मनीष आए हैं इस बीच पारेगा ये आखिरी ओवर लेकर वक्त की नजाकत को समझना पड़ेगा थोड़ा सा समय का साथ देना पड़ेगा आज के दिन यहाँ पर हमें सेमीफाइनल और फाइनल मुकाबला भी समाप्त करना है तो ज्यादा वक्त ना ले और मुकाबले को आगे बढ़ाए पेरों के ऊपर गेंद जरूर थी वहां पर रहा, बल्ला जरूर चलाया था जयदीप बारसोल ने बल्ले का अंदरूनी हिस्सा लेकर गेंद पहुंची थी सीधे शोट हरमैन के ऊपर फील्डर तैनात वहां पर एक के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ जहाँ पहुंचा है सेवनटी फोर रन आखिरी पांच गेंद से जई आ ही रहे हैं बल्लेबाजी के ऊपर अभी भी अपना अकाउंट खोलना बाकी जिस प्रकार से बल्लेबाज के लिए स्क्वायर लेग डीप मिड विकेट वाइडी लॉन्ग ऑन डी बाउंड्री लाइन के ऊपर भी फील्डर तैनात है मनीष अपने बालक माग के ऊपर राइटम ओवर द विकेट लेकर गेंदबाजी करेंगे अच्छी गेंद थी इस पीछे वहाँ पर रिवर्स अटैम्प्ट करने का प्रयास था वाइट इस लाइन के ऊपर वाइड यॉर्कर करना चाहते थे और असफल हुए इस प्रकार से यहाँ पर लेंथ और लाइन के साथ गेंदबाजी करते हुए सेवेंटी फोर रन बने दो विकेट के नुकसान के ऊपर पारी का ये आखिरी ओवर आखिरी चार गेंद से इस बल्लेबाज के लिए बल्ला जरूर चलाया था बल्ले का नीचे हिस्से पर लगकर गेंद जा रही है सीधे शॉर्ट थर्मैन के ऊपर फील्डर तैनात विकेट कीपर के ठीक पीछे जब तक गेंद फील्ड करते तब तक एक रन आसानी के साथ पूरा किया एक के साथ सेवनटी फाइव रन बने दो तो विकेट के नुकसान के ऊपर श्री कृष्णा प्रतीक इलेवन जयदीप बालसोल की अगर बात करें तो फोर्टी फोर चवालीस के ऊपर है अभी भी छः रन दूर है अपने अर्धशतक से अट्ठाईस गेंदों का सामना किया एक कप्तानों वाली पारी जिस प्रकार से यहाँ पर ऑक्शन में भरोसा जताया था ऑनर कीर्तिभाई आहिर की ओर से उसी प्रकार से यहाँ पर बल्लेबाजी करने का प्रयास कप्तान जयदीप बारसोल फिलहाल लेफ्ट हैंड बल्लेबाज स्ट्राइक के ऊपर फुल टॉस गेंद जरूर थी विकेट कीपर बीट हुए गेंद जाएगी सीधे शॉर्ट थर्मैन बाउंड्री लाइन के बाहर बाई के रूप में ये चौका मिलेगा यहाँ पर अतिरिक्त रन खर्च किए जा रहे हैं तो चौके के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 79 नाइन रन स्कोर कार्ड के ऊपर पारी का ये आखिरी ओवर प्रगति के ऊपर है

शेयर ऑफ द फिफ्टी यहाँ पर अपने पचास रन भी पूरे किए बल्लेबाज जयदीप बारसोल ने एक अच्छी बल्लेबाजी वहाँ पर देखने को मिली बीच मैदान के ऊपर तीस गेंदों के ऊपर पचास रनों की कप्तानों वाली पारी जयदीप बारसोल की ओर से फिलहाल छह के साथ श्री कृष्ण प्रतीक इलेवन का स्कोर आगे बढ़ता हुआ एटी रन अभी भी आखिरी ओवर की आखिरी गेंद शायद शेष बल्लेबाज के लिए फाइनल एक बाउंड्री लाइन के ऊपर इस बार गेंद जा रही है सीधे सीमा रेखा की और आउटफील काफी ज्यादा तेज जिस प्रकार से यहाँ पर आगाज किया था जयदीप बार्सोल ने उसी प्रकार से अंजाम दिया है तो चौके के साथ यहाँ पर 90 रन बन चुके हैं स्कोर कार्ड के ऊपर अब मुकाबले को जीतना है मारुति सोल्जर्स को तो यहाँ पर आठ ओवर में बनाने पड़ेंगे नाइनटी रन का यहाँ पर लक्ष्य रखा गया है श्री कृष्णा प्रतीक इलेवन ने पहले बल्लेबाजी करते हुए नाइन्टी रन बना लिए दो विकेट के नुकसान के ऊपर अब 91 वन रन चाहिए यहां से मुकाबले को जीतने के लिए जस्ट प्लीज़ सर जल्दी चाहिए अब यहाँ पे जस्ट दोनों प्रारंभिक बल्लेबाज वहां पे पहुंच चुके गेंदबाज भी तैयार बॉलिंग ऊपर पे जयदीप का एक बहुत ही बेहतरीन अर्धशतक जरूर बना घूम के खेलना चाहते थे लेकिन गेंद सीधे इस बीच विकेट कीपर के की पास सब व्हाइट बॉल के साथ अच्छी शुरुआत हुई है रन वहां पे लेग बाई के रूप में जुड़ेगा एक अतिरिक्त रन के साथ स्कोर कार्ड के ऊपर एक रन की बढ़ोतरी हुई अच्छा सॉरी इस बीच मीड़ ऑफ के ऊपर जाइ ने कोई गलती नहीं की अच्छा कैच किया विकेट का पतन हुआ देखिए पहला विकेट का पतन हुआ था इस स्कोर के दो रन के नुकसान के बाद सौ तिरपन के के विकेट है उसके नाम के ऊपर आज जितने भी विकेट होंगे वो एड होंगे तो उस प्रकार से एक अच्छी सफलता एक अच्छी गेंदबाजी देखने को जरूर मिली है एक विकेट का पतन हो चुका है वैसे जयदीप के अकाउंट में एक विकेट आ चुकी है ऑन साइड के ऊपर हल्के हाथों तो से क्लिक किया स्क्रैले के ऊपर जब तक वहां पे फील करते एक रन पूरा किया सिंगल के साथ एक रन जुड़ेगा का स्कोर कार्ड के ऊपर यहां से चार रन बनेंगे एक विकेट के नुकसान के बाद वैसे मैच जीतने के लिए 91 वन इक्यानवे रन का टारगेट है बहुत अच्छी गेंद देखिए इस बीच रफ्तार के साथ गुडलैंड वाली गेंद सीधा विकेट कीपर के, के पास कोई डॉट को गेंद के साथ अच्छी वापसी फिलहाल चार स्कोर कार्ड के ऊपर एक विकेट के नुकसान के बाद मारुति सोल्जर्स 11 और कृष्णा प्रतीक 11 के बीच में आज के दिन का दूसरा मुकाबला है फाइनल की दिशा में गेंद जाती हुई वहां पर रीम है जब तक अपील करने के बाद थ्रो करने का प्रयास थोड़ी सी मिसफील हुई रफ्तार के साथ ट्रैवल होती हुई पीछा किया गया रोका गया जब तक थ्रो करते वहां से अच्छा रनिंग बिटवीन जरूर देखने को मिला तीन रन मुकम्मल किए चौका दिया गया वह चौके के साथ स्कोर कार्ड के ऊपर यहां से चार रन की बढ़ोतरी होगी यानी आठ रन बन चुके एक विकेट के नुकसान के बाद वैसे दीप ने यहां पे चौकी के साथ अपना अकाउंट ओपन किया पहले दो गेंद डॉट गए थे उसके बाद तीसरी गेंद के ऊपर अपना अकाउंट ओपन किया फिर से एक बार अच्छी वाली गेंद, ब्लॉक हॉल गेंदबाजी मिड विकेट अट्टी बाउंड लाइन के ऊपर जब तक फील करते वहाँ से सिंगल रन सिंगल के साथ एक रन जुड़ेगा का स्कोर कार्ड के ऊपर नौ रन बन चुके एक विकेट के नुकसान के बाद पावर प्ले का पहला ओवर खत्म हुआ वैसे एक ओवर की समाप्ति हो चुकी है स्कोर कार्ड के ऊपर उस प्रकार से बहुत ही बेहतरीन तरीके से नौ रन बने एक विकेट के नुकसान के बाद अब यहां से दीप और प्रफुल की जोड़ी विकेट के ऊपर मौजूद है और गेंदबाजी के ऊपर परिवर्तन किया जा रहा है वहां पे जय आहिर अपने बॉलिंग मार्ग के ऊपर समय का प्रावधान ध्यान में रखिएगा अच्छा शॉट इस बीच सामने खेला है लॉन्ग ऑन के ऊपर से दर्शक दीर्घा में बेहतरीन तरीके से अच्छा सिक्स दीप का और छह के साथ स्कोर कार्ड के ऊपर पंद्रह रन गेंदबाज अपने बॉलिंग मार्ग के ऊपर यहाँ से जय अहिर और स्ट्राइक के ऊपर बाएं हाथ के खिलाड़ी दीपू वैसे पंद्रह के निजी स्कोर के ऊपर पहुंच चुका है फिर से एक बार उल्टा बल्ला लेकिन संपर्क हुआ नहीं वहां पे नॉन स्ट्राइक के खिलाड़ी रन लेना चाहते थे जय अपने फॉलो थ्रू में फील करते कोई रनिंग कोई डॉट गैन रन बन चुका स्कोर कार्ड के ऊपर फुल टॉस गेंद थी इस बीच पे देखिए पीछे खिलाड़ी जब तक गेंद को रोका गया और रोकने के बाद थ्रो करते एक रन पूरा किया था सिंगल के साथ एक रन जुड़ेगा का स्कोर कार्ड के ऊपर बीस रन एक विकेट के नुकसान के बाद फिर से तैयार अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर इस बीच राइट हैंड बल्लेबाज स्ट्राइक के ऊपर है प्रफुल अहिर ऑन साइड के ऊपर जमीन के सहारे खेला वहां पे काफी डीप लाइन के ऊपर खिलाड़ी जब तक फील करते एक रन पूरा किया सिंगल के साथ एक रन जुड़ेगा का स्कोर कार्ड के ऊपर इक्कीस रन एक विकेट के नुकसान के बाद ट्वेंटी फुल टॉस गेंद थी सीधे बल्ले से सीधा देखिए दोनों खिलाड़ी को विभाजन किया बहुत ही बेहतरीन इस वहां पे एक अच्छा चौका जरूर देखने को मिला और चौके के साथ स्कोर कार्ड के ऊपर चार रन की बढ़ोतरी हो चुकी है और 25 रन एक विकेट के नुकसान के बाद देखिए 25 में से 20 रन दीपू का है और दीपू जब भी बल्लेबाजी करता है तो अकीब को ज्यादा खुशी मिलती है उस प्रकार से बीस के निजी स्कोर के ऊपर पहुंच चुका है वैसे तीन चौका एक सिक्सर दो का स्ट्राइक रेट पाव प्ले के दो ओवर खत्म हुए पच्चीस रन एक विकेट के नुकसान के बाद फिलहाल करण रन साढ़े बारह का चलता हुआ रिक्वायर रनरेड की बात करें तो ग्यारह का छत्तीस गेंदों में 66 रन चाहिए छत्तीस बॉल में छासठ रन जो है मैं हैं। यस yes, यहाँ पे वैसे दो ओवर की समाप्ति हो चुकी है पच्चीस रन एक विकेट के नुकसान के बाद अब गेंदबाजी के ऊपर परिवर्तन किया गया है अब दिगुल अहिर को शामिल किया जा रहा है फिरकी के फनकार गेंदबाज इस बीच घुमाव के साथ गेंदबाजी करने के लिए जाने जाते हैं अब दिगुल है फील्डिंग को थोड़ा सा सेटअप करते हुए और स्ट्राइक के ऊपर वैसे प्रफुल है और नॉन स्ट्राइक गेंद के ऊपर दीप है लोअर ड्राइव कर दिया इस बीच देखिए वहाँ पे जिस और गैन गई है वहाँ पे अभी अभी हमारे इन्विटेशन स्वीकार करके उपस्थित हुए हैं हिनल भाई गैरसिया धोड़िया पटेल समाज के फ्रंट लाइन के बहुत ही बेहतरीन परफेक्ट ऑलराउंडर आपका भी हार्दिक स्वागत है तो उस प्रकार से छब्बीस रन एक विकेट के नुकसान के बाद तीसरा ओवर प्रगति के ऊपर है पावर प्ले खत्म हो चुका है छब्बीस रन एक विकेट के नुकसान के बाद तीसरे ओवर की शुरुआत हो चुकी है दिगुल अपने बॉलिंग मार्ग के ऊपर स्ट्राइक के ऊपर इसमें चंदीप पहुंच चुका है वैसे तीन चौका एक सिक्सर दीप के बल्ले से आ चुका है अच्छा शॉट देखिए इस बीच बेहतरीन तरीके से स्क्वायर लेके ऊपर उड़ती हुई गई पंख लगाकर भेजा सिक्सर बेहतरीन सिक्सर छह के साथ स्कोर कार्ड के ऊपर यहां से बत्तीस रन गेंदबाज तैयार है एक अच्छा सिक्सर आया था बत्तीस के स्कोर को पहुंचा दिया है हाई बैकलिप के साथ देखिए इस किस प्रकार का बैठक शॉट का प्रयास था वैसे बहुत बेहतरीन तरीके से एक वहां पे बैठक शॉट का प्रयास लेकिन संपर्क हुआ नहीं एक सिक्सर जरूर आया ग्यारह गेंदों के ऊपर छब्बीस के निजी स्कोर के ऊपर दो सिक्सर एक तीन चौका फ्लिक कर दिया इसमें गेंद ट्रैवल हो रही एक रन पूरा किया दूसरे के लिए पलटवार करेंगे और वहां पे दो रन मुकम्मल किया और दो के साथ स्कोर कार के ऊपर चौंतीस रन एक विकेट के नुकसान के बाद थर्टी अब बहुत अच्छा फुल टॉस गेंद और गवर्नमेंट की जॉब कौन छोड़ता है यहाँ के दीप का अच्छा सिक्सर वहाँ पे काउ कॉर्नर के ऊपर से सीधा वहाँ पे बेहतरीन सिक्सर और छह के साथ चालीस रन एक विकेट के नुकसान के बाद तेरह गेंदों में चौंतीस के ऊपर दीप पहुंच चुका है तीन सिक्सर तीन चौका और ढाई का स्ट्राइक रेट बहुत अच्छी बल्लेबाजी बहुत ही बेहतरीन अच्छी बल्लेबाजी यहां देखने को मिली है वैसे चालीस के ऊपर टीम का स्कोर को पहुंचाया है तीसरा ओवर प्रगति के ऊपर तीसरे ओवर की आखिरी गेंद का खेल बाकी है और दीप चौंतीस के ऊपर पहुंच चुका है फुल टॉस गेंद बनाकर खेलना चाहते थे लेकिन इस बीच संपर्क हुआ नहीं गेंद गई सीधे विकेट कीपर के पास एक तीन ओवर की समाप्ति स्कोर कार्ड के ऊपर चालीस रन एक विकेट के नुकसान के बाद ओवर समाप्त हो चुके हैं चालीस रन बने एक विकेट के नुकसान के बाद यहाँ से वैसे करण रेट की बात की जाए तो फिलहाल चलता हुआ साढ़े चौदह का और रिक्वायर रेट की बात करें तो यहाँ पे सवा दस का रिक्वायर रेट है आने वाले तीस गेंदों में इक्यावन रन चाहिए तीस गेंद इक्यावन रन पूरा अच्छा जब तक फील्ड करते एक रन पूरा करेंगे दूसरे की कोई गुंजाइस नहीं एक अच्छा फील्डिंग जरूर देखने को मिला वैसे शॉट अच्छा था लेकिन पीछे खिलाड़ी वहां पे गैप नहीं मिला और सिंगल के साथ एक रन की बढ़ोतरी हुई इकतालीस रन एक विकेट के नुकसान के बाद फोर्टी अपने दे बॉलिंग माक के ऊपर बाय हाथ के खिलाड़ी स्ट्राइक के ऊपर इस बीच दीप है अच्छा शॉट सामने खेला इस बीच लॉग के ऊपर पीछे खिलाड़ी गेंद के नीचे और अच्छा कैच विकेट का पतन हुआ और वहां से दीप आउट होने के बाद पवेलियन की ओर जाएगा जिन्होंने एक अच्छी बल्लेबाजी की अपनी टीम के लिए चालीस रन बनाए एक विकेट के नुकसान के बाद और रपन की ओर जाना पड़ेगा विकेट नंबर पहला इस बीच जय के नाम चालीस के ऊपर पहला झटका लगा अब अंकित वहां पे पहुंच चुके हैं नए बल्लेबाज के रूप में अंकित अपने स्ट्राइक के ऊपर और गेंदबाजी के ऊपर जाई देखिए जाना दिया इस बीच विकेट कीपर के हाथों में ऑफ्टम के ऊपर गुडलैंड स्पॉट वाली गेंद थी कोई रन नहीं कोई श्री डॉट गेंद के साथ अच्छी वापसी जरूर करवाई लॉफ्ट करना चाहते थे इसमें लेकिन वहां स्ट्राइक के ऊपर थ्रो हुआ अगर डायरेक्ट हिट होती तो कुछ बन सकता था लेकिन वहां पे रन पूरा कर चुके थे लेक बाइक का इशारा एक अतिरिक्त रन जरूर जोड़ा अतिरिक्त स्कोर कार्ड के ऊपर एक रन की बढ़ोतरी होगी और बयालीस रन एक विकेट के नुकसान दो विकेट के नुकसान के बाद फोर्टी गेंदबाजी yes के ऊपर जाए बहुत अच्छा ऑफ फॉलिंग सिप कर दिया बैकवासा में उड़ती हुई गई है बहुत ही बेहतरीन अच्छा सिक्सर और छह के साथ स्कोर कार्ड के ऊपर अड़तालीस रन दो विकेट के नुकसान के बाद फोर्टी 42 रन है स्कोर कार्ड के ऊपर दो विकेट के 48 रन है दो विकेट के नुकसान के बाद सिक्सर के साथ 42 और 6 48 टैप करना चाहते थे इस बीच लेकिन अपने फॉलो थ्रू में फील्ड करना पड़ेगा कोई रन नहीं ओवर की समाप्ति की घोषणा हुई अंपायर महोदय के जरिए अब अजय ने अपने कोडे के दो ओवर खत्म कर लिए है उस प्रकार से एक अच्छी गेंदबाजी देखने को मिली 23 रन दिए एक सफलता हासिल की 11.5 की इकॉनमी के बाद अब आने वाली यहां से चौबीस केनों में 43 रन चाहिए चौबीस में 43 रन जो मैच जीतवा समाप्ति के बाद 48 रन बने दो विकेट के नुकसान के बाद मारोड़ी सोल्जर वैसे जीतने के लिए 91 रन का टारगेट है अब फील्डिंग को सेटअप करने का प्रयास करते हुए दूर वाले छोर से इस बीच दिगुल के हाथ में गेंद थमाई गई है अब दिगुल ने पहला ओवर बहुत ही बेहतरीन तरीके से अच्छा किया था जिसमें पंद्रह रन आए थे सफलता मिली नहीं थी अब अपने कोटे का दूसरा और पारी की ओर से इस बीच पांचवा ओवर करने के लिए तैयार है दूर वाले छोर से दिगुल आहिर समय का प्रावधान ध्यान में रखिएगा प्लीज डाउन द ग्राउंड खेला इस बीच पीछे खिलाड़ी जब तक वहां पे फील्ड करते एक रन पूरा किया दूसरे की कोई गुंजाइश इसने सिंगल के साथ एक रन जुड़ेगा और स्कोर कार्ड के ऊपर एक रन की बढ़ोतरी उनचास रन दो विकेट के नुकसान के बाद पांचवा ओवर प्रगति के ऊपर है नो गेंद का कॉल है इस बीच वहां पे देखिए एक्शन के रूप में वहाँ पे पर मेरी ने पर्क भूमिका में से नौ का कॉल है और दो रन मुकम्मल कर लिए यानी तीन रन काउंट किए जाएंगे अब तीन के साथ स्कोर कार्ड के ऊपर वेलकम फिफ्टी हो चुकी है यानी कि टीम का स्कोर यहाँ से बावन हो चुका है फिफ्टी टू दो विकेट के नुकसान के बाद बहुत ही बेहतरीन तरीके से शॉटाम पुल कर दिया था सीधे दर्शक दीर्घा में एक अच्छा शॉट और वहां से चौका और चौके के साथ चार रन की बढ़ोतरी होगी और स्कोर कार्ड के ऊपर छप्पन रन दो विकेट के नुकसान के बाद फिफ्टी बहुत अच्छा शॉट उसी दिशा में देखिए पहले जमीन के ऊपर उसके बाद जमीन के ऊपर से हवाई रास्ता यानी कि एक सिक्सर एक चौका बैक टू बैक यहाँ पे दस रन बटोर लिए हैं और बासठ रन हो चुका सिक्सटी टू एक अच्छी बल्लेबाजी वैसे प्रफुल नौ गेंद बाईस रन द ग्राउंड के इसमें में चलूंगा डी बाउंड लाइन के ऊपर वहां पर जब तक फील्ड करने का प्रयास करती एक रन पूरा कर चुके थे सिंगल के साथ एक रन की बढ़ोतरी हुई स्कोर कार्ड के ऊपर एक रन जुड़ेगा अब यहाँ से तिरसठ रन बच चुके हैं सिक्सटी दो विकेट के नुकसान के बाद ओवर की बात करो तो पांचवा ओवर प्रगति के ऊपर है वहां पे रिम अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर बहुत अच्छा समय मिला इस बीच बेहतरीन तरीके से अंकित का सौम पुल और दी सीधी हुई गुल चार छ रन के लिए और छ के साथ उनहत्तर रन सिक्सटी नाइन उन्नीस में बाईस चाहिए उन्नीस गेंद बाईस रन मैच जीतने के लिए

अब नब्बे रन का टारगेट 91 वन का जिसमें से सत्तर हो चुके हैं दो विकेट के नुकसान के बाद अब अठारह गेंदों में इक्कीस चाहिए अठारह बॉल में एक रन जो मैच जीतवा थी इस बीच देखिए थोड़ी सी ऑन साइड के ऊपर लेकिन पीछे खिलाड़ी जब तक अपील करते यानी कि वाइड और बाय दो रन काउंट किए जाएंगे दो के साथ स्कोर कार्ड के ऊपर बहत्तर रन बन चुके हैं सेवन दो विकेट के नुकसान के बाद बहुत अच्छा शॉट सामने इस बीच मिड विकेट के ऊपर से बहुत ही बेहतरीन तरीके से एक पिकअप शॉट हमें देखने को मिला और गेंद गई है सीधे लाइन के बाहर बेहतरीन सिक्सर और छह के साथ स्कोर कार्ड के ऊपर यहाँ से अठहत्तर रन बन चुके हैं अभी भी सत्रह गेंदों में तेरह रन चाहिए सत्रह गेंद तेरह रन सीधे बल्ले से सीधा इसमें इस चप्पी से खिलाड़ी है जब तक वहां पे फील्ड करते एक रन पूरा करेगा सिंगल के साथ एक रन की बढ़ोतरी और स्कोर कार्ड के ऊपर एक रन जुड़ेगा

बहुत अच्छा शॉट इस बीच एक्स्ट्रा कवर के ऊपर लेकिन पीछे खिलाड़ी जब तक फील करते शॉट सिलेक्शन अच्छा लेकिन सिंगल रन सिंगल के साथ एक रन की बढ़ोतरी होगी स्कोर कार्ड के ऊपर अब अस्सी रन बन चुके हैं दो विकेट के नुकसान के बाद अभी भी चौदह गेंदों में ग्यारह चाहिए चौदह गेंदों में ग्यारह देखिए प्रफुल की तीस रन की बहुत ही लाजवाब पारी तीन सिक्सर एक चौका दो का स्ट्राइक रेट अच्छी बल्लेबाजी अच्छा शॉट इस बीच मिड विकेट्स को के ऊपर से गेंद गई है सीधे आउट ऑफ पाक सिक्सर और छह के साथ छियासी रन अभी पांच रन चाहिए मैच जीतने के लिए लाजवाब पारी छत्तीस रन की इस बीच चप्रफुल के जरिए बहुत ही बेहतरीन चार सिक्सर आया है उसके बल्ले से लोअर फुल टॉस गेंद थी फ्लिक करना चाहते थे थोड़ा सा टाइमिंग की यहाँ पे बल्ला पहले घुमा उसके बाद गेंद आई अगर स्विट टाइमिंग होता तो निश्चित यहाँ पे मैच खत्म हो सकता था लेकिन छियासी रन दो विकेट रईस कादरी उपस्थित हुए हैं तो आपका हार्दिक स्वागत है यहाँ पे अपना कीमती और पवित्र समय लेके आए और हमारे जो वीआईपी गेस्ट का स्पेशल डगाउट बना हुआ है नेचुरल डगआउट जिसे कहते हैं पेड़ पौधों के नीचे जहाँ ऑक्सीजन की कमी नहीं रहती और ठंडक रहती है वहाँ पर आपका हार्दिक स्वागत है देखिए एक इन्फॉर्मेशन आपको दे दूँ इसमें से अगला मुकाबला दो जीती हुई टीमों के बीच में होगा तो यहाँ पे पहला मुकाबला माँ जीती थी और इसमें जो जीतेगा उसके बीच में तुरंत होगा टाइम मिलेगा नहीं ऐसा हमारे कमेटी मेंबर्स ने बताया है तो प्लीज़ तुरंत टॉस के लिए आना है जो भी टीम जीतेगी उसे और यहाँ पे मैंने कहा और ख़त्म किया तो प्लीज अंकित ने मैच को ख़त्म किया अंकित को टॉस के लिए आना पड़ेगा अगला मुकाबला लप्पी भाई बारसोल से उपस्थित हुए तो लप्पी भाई आपका भी हार्दिक स्वागत है यहाँ पे अपना कीमती और पवित्र समय दे आए इस मुकाबले में बेहतरीन तरीके से ये मुकाबला यहाँ से विक्ट्री हासिल की है मारुडी सोल्जर ने और अगला मुकाबला यहाँ से माँ मुगल इलेवन और मारुडी सोल्जर के बीच में दोनों टीम के कप्तान हमारी और रुख करेंगे आपको पानी भी हम पिला देंगे यहाँ पे प्लीज जल्दी